हेलो एंड वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम इसमें बात करेंगे FFA। बेसिकली आपने एक वर्ड सुना होगा FFA, जिसको हम बोलते हैं फंडस फ्लोरेंसिक एंजियोग्राफी। ये क्या हमारे एक तरह का हमारे ये एक एंजियोग्राफी है, जिसमें क्या है हम इंजेक्शन के थ्रू जो हमारा पर्दा जो होता है उसको फ़ोटो लेके हम क्या है उसको डायग्नोस करते हैं। देन उसका फ़ोटो लेके हम देखते हैं कि हमारे पर्दे में कोई क्या बीमारी है, देन कौन कौन सी हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। कल इसमें बता रही हूँ, देन आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ये 5 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है, चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो या फिर आपके क्या है मॉक टेस्ट हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम देखेंगे FFA क्या होता है, फंडस फ्लोरेंसिक एंजियोग्राफी। ये एक तरह की, जैसे मैंने बताया, एंजियोग्राफी होती है। इसमें फ्लोरेंसिक हम क्या है ऐड करते हैं क्यूबाइटल वेन के थ्रू। फंडस फ्लोरेंसिक एंजियोग्राफी इज अ वैल्यूएबल टूल इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंडस डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी एक एंजियोग्राफी होती है, जिससे हमारे जो पर्दे की जो प्रॉब्लम होती हैं, लाइक जो पर्दे के हमें डिसऑर्डर जो देखने को मिलते हैं, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली FFA गिव्स इंफॉर्मेशन बाय अलाउइंग द एग्जामिनर टू स्टडी द चेंज प्रोड्यूस बाय वेरियस फंडस डिसऑर्डर इन द फ्लो ऑफ फ्लोरेंसिक डाई अलोंग द वेस्कुलर ऑफ द रेटना एंड कोरोइड। इसमें इंडिकेशन की बात करें कि हम किस किस कंडीशन में हम फंडस फ्लोरेंसिक एंजियोग्राफी या FFA करते हैं पेशेंट का। फर्स्ट हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी में हम पेशेंट का FFA करते हैं। देन डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, डायबिटीज़ की वजह से जो हमें रेटना में जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती हैं वो हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाती हैं। वेसलर ऑक्लूजन, इसमें हम देखेंगे जो हमारे वेसल्स जोन में ऑक्लूजन की कंडीशन में ईल्स डिजीज़ में हमें देखने को मिलता है। ईस्ट डिजीज़ में भी हम FFA करते हैं। सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में भी हम FFA करते हैं। सिस्टोइड मैकुलर एडिमा में भी FFA करते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब किन किन कंडीशन में हम FFA करते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस कंडीशन में हम FFA नहीं करते हैं। इंक्लूड रीनल इम्पेयरमेंट एंड नॉन एलर्जी टू फ्लोरेंसिंग। गैस की जो टेक्निक जो होती है वो क्या होती है, द टेक्निक ऑफ FFA कंपेरिजिस रैपिडली इंजेक्शन 5 ml ऑफ 10% सोल्यूशन स्टराइल सोडियम फ्लोरेंसिक डाई इन दी एंटीक्यूवाइटल वेन एंड टेकिंग सीरियल फोटोग्राफ्स विद फंडस कैमरा ऑफ द फंडस ऑफ द पेशेंट हु इज सीटेड विद पीपल फुली डायलेट। सो इसको करने के लिए हमें जो हम क्या करते हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं 5 ml का इंजेक्शन लेते हैं, उसमें 10% हमारा सोल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या है पीपल डायलेट कर देते हैं, या पुतली, उसको हम नॉर्मल भाषा में बोले तो उसकी पुतली को फैला देते हैं। देन उसके बाद हम ये जो इंजेक्ट करते हैं वो एंटी क्यूबाइटल वेन में इंजेक्ट करके, और हम क्या करते हैं उस कंडीशन में करते हैं फोटोग्राफ ले लेते हैं, मींस फंडस का हम फोटोग्राफ ले लेते हैं। देन अब हम बात करते हैं, द फंडस कैमरा हैज़ अ मैकेनिज्म टू यूज़ ब्लू लाइट 420 से 490 नैनोमीटर वेवलेंथ। इसमें जो हमारा कैमरा क्या होता है, एक मैकेनिज्म है जो क्या है, जिसमें हमारी ब्लू लाइट जो यूज़ होती है वो क्या है, एक तरह से उसकी जो अगर वेवलेंथ की बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ जो होती है 420 से 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, जो क्या है कैमरे के थ्रू पर्दे की फ़ोटो को क्लिक करता है। फॉर एक्साइटिंग टू फ्लोरेंसिक प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड टू यूज़ येल्लो ग्रीन फिल्टर फॉर रिसीविंग द फ्लोरेंसिक लाइट 500 to 530 नैनोमीटर वेवलेंथ। बैक ऑफ फोटोग्राफी, द फर्स्ट फोटोग्राफ इज टेकन आफ्टर 5 मिनट्स। पहले जो हम फोटोग्राफ लेंगे वो 5 मिनट के बाद लेंगे। देन एवरी सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड, हर सेकेंड पर 20 सेकेंड, एंड एवरी 3 to 5 सेकेंड फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। द लास्ट पिक्चर आज टेकन आफ्टर 10 मिनट्स, और लास्ट पिक्चर जो हम लेंगे वो 10 मिनट्स के बाद लेंगे। देन इस तरह से इसका पूरा प्रोसीजर हो गया। इसमें हमारा कितना परसेंट सॉल्यूशन रहता है, कौन से फ़िल्टर हम इसमें यूज़ करते हैं, और कौन सा हमारा येलो ग्रीन फिल्टर, और हम के जो हमारी वेवलेंथ जो होती है फ्लोरेंसिक डाई को यूज़ करने के बाद वो कितनी रहती है, कब कब हमें फ़ोटो लेना होता है, लास्ट फ़ोटो हम देन कब लेते हैं। अब बात करते हैं इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं।
FFA is a comparatively safe procedure. माइनर साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड, FFA एक हमारा क्या है, पूरी तरह सेफ प्रोसीजर है, इसमें हमें बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं. डिसकलरेशन ऑफ स्किन, स्किन में क्या है, डिसकलरेशन हो सकता है. यूरिन और स्किन का क्या है, डिसकलरेशन हो सकता है, मीन्स कलर चेंज हो सकता है. माइल्ड नोजिया एंड रेयरली वॉमिटिंग, नोजिया या हल्की फुल्की आपको वॉमिटिंग हो सकती हैं. एनाफिलैक्सिस एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर एक्सट्रीमली रेयर. क्या हो गया हमारा FFA का टॉपिक है कंप्लीट हो गया. क्या होता है, किस कंडीशन में हम करते हैं, किस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए, टेक्निक क्या है, क्या क्या हमें इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं. सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो टॉपिक है अपनी नोटबुक में डाउनलोड कर लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो.